हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड खोए की रेसिपी। बहुत ही आसानी से इसे हम घर पर रेडी कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी गहरे तले की कढ़ाई या बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैंने 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध डाला है। हाई फ्लेम में दूध को बॉयल होने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे। करीब 10 मिनट तक आप हाई फ्लेम में इसे बॉयल होने दें। उसके बाद मीडियम फ्लेम में हम इसे रख देंगे। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब गैस को मीडियम पर रखेंगे। इस तरह से घर पर खोआ बनाने से हमें खोआ शुद्ध मिलता है और शुद्ध खोए की मिठाई भी बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। थोड़ी देर और हम इसे ठीक होने देते हैं। इस स्टेज में गैस को हम बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी हम इसे चलाते रहेंगे। और रेडी, चलिए इसे हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। और जैसे ही ये ठंडा होगा, ये थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खोआ बन के रेडी हुआ है। इस दिवाली आप घर पर ही खोआ बनाएं और उसी खोए से मिठाइयाँ बनाएं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।